गाड़ी लॉक। Hey, what's up, guys? Welcome to the new vlog. तो आज अंकिता एनर्जी में तो रहेगी पर नहीं रहेगी, ऐसा कुछ नहीं रहने वाला गाइस। मैं हमेशा एनर्जी गाइस सच बताना है थोड़ी सी ढीली लग रही है ना। वो कल रात को मेरी तबीयत बहुत भयानक वाली बिगड़ गई थी, मुझे बहुत ज्यादा खराब हो गई थी हालत। आज से यहाँ की क्या गुजरात की गुजराती ओवरऑल शुरू हो गई है। हाँ। और हिंदू धर्म के हिसाब से विक्रम संवत अभी शुरू हो गया, मतलब हिंदू कैलेंडर के हिसाब से अपना न्यू ईयर शुरू हुआ है 2081 वाला। और अंकिता ने फास्ट रखे हैं 9 दिन के, जिसमें वो कुछ भी खाएगी नहीं, सिर्फ फ्रूट चाय कॉफी। मैं अनाज नहीं खाती हूँ और नमक नहीं खाती हूँ, सिर्फ फ्रूट्स खाती हूँ। सिर्फ फ्रूट चाय मैं ये बार सोच रही हूँ वो भी ना पीऊं। कॉफी वो भी सोच रही हूँ ना पीऊं। ओके, पर मेरे ख्याल से पीना चाहिए क्योंकि फ्रूट से ज्यादा बॉडी प्रॉब्लम हो सकती है सिर्फ खाओ तो। आई थिंक सिर्फ चाय या और फ्रूट ऐसा कुछ कर सकते हो। नहीं, ये तो इसके ऊपर फ्रूट खाती थी और चाय सुबह पीती थी, पर ये बार मैं सोच रही हूँ सुबह चाय भी ना पीऊं, अकेला फ्रूट पे रहूं, तो लेट्स सी व्हाट विल डू। माई गॉड इंग्लिश। फिलहाल घर से निकले हैं, अंकिता को जाना है मंदिर और हमेशा क्या है मेरी वजह से कुछ ना कुछ लेट हो जाता है और आज भी ऐसा हुआ। अंकिता ना तो तैयार हो गया और बता ना कैसी लग रही है, ऐसे टाइप के लुक में अंकिता ने सब बहुत प्यारी लगती है कसम से। वेस्टर्न में तो अच्छी लगती है पर इसमें बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है, ऐसे प्यार आता है, बाकी प्यार आता है ठीक है। और मैं उठा हूँ और मैंने लंच कर लिया बट मैं नहाया नहीं हूँ ठीक है। तो जाएंगे टेंपल में और अंकिता जाएगी मंदिर में क्योंकि नहाए बिना मंदिर नहीं जाना चाहिए। या निकले हैं, अंकिता को ले जा रहा हूँ इसलिए क्योंकि हमेशा क्या होता है न्यू ईयर से लेट हो जाता है और दोपहर को मंदिर बंद हो जाते हैं, तब जाके हम पहुँचते हैं और अंकिता को बाहर से दर्शन करने पड़ते हैं। तो इस बार मैंने अंकिता को फोर्स किया कि नहीं पहले ले जाता हूँ, मैं देखो पहले ले जाता हूँ। अंकिता बोले नहीं नहीं पहले तो ये कर ले वो कर ले उसके बाद जाते हैं उसके बाद जाते हैं, मैं नहीं। फिर हमेशा अंकिता क्या करती है पता, शगनी है बहुत ज्यादा शगनी है। अंकिता खुद बोलेगी पहले ये निपटा ले उसके बाद चलते ये करते वो करते और उसके बाद जब बंद हो जाएगा तब मुझे 2 से 3 दिन तक सुनाएगी। पहले दिन तू लेके नहीं गया था, दोपहर को नहीं लेके गया था, देर वजह से लेट हो गया था, इस वजह से दर्शन दिन में नहीं हुए थे, शाम को करने पड़े थे, ये वगैरह वगैरह। मैं चाहती हूँ कि हिरण मेरे साथ में दर्शन करे। हाँ मतलब आता ही हूँ हमेशा मैं अंदर आता ही हूँ ना हमेशा आता तो वही, पर नहाए भी ना जब नहाया नहीं हो तब नहीं आ सकता ना, और मैं नहीं नहाया उसकी वजह से तेरा क्यों अटक जाए। वैसे भी श्रद्धा मन में होनी चाहिए, दिल में होनी चाहिए और ये बात मैं बचपन से मानता हूँ। हम यहाँ पे 16 वाले टेम्पल में आए हैं और अंकिता वो आपको दिख रही होगी दर्शन करते हुए, मैं गाड़ी घुमा लेता हूँ तब तक। चलो जी फाइनली अंकिता आ गई और कैसा रहा? बहुत अच्छे दर्शन। इमेजिन मैं ना अंकिता को पूछ रहा हूँ मंदिर में जाकर दर्शन करके कैसा रहा। तो हम लोग घर पे पहुंच चुके थे, अभी मम्मी को लेके निकला हूँ बैंक जाने के लिए क्योंकि बैंक पे पता नहीं 3-4 साइन वाइन करने की है। उसके अलावा मम्मी का एक आधा अधूरा काम लास्ट टाइम रह गया था, नहीं हमने गए थे पर क्योंकि हमारा बैंक SBI है तो हम लोग बार बार जाते हैं वहाँ पे एक काम के लिए, तो जा रहे हैं अभी बैंक का काम निपटाते हैं। बैंक का काम निपटाने के बाद वापस घर जाना है, आज बहुत ज़्यादा काम पड़े मेरे सर पे तो वो सारे निपटाने आज। बैंक हमारी वहाँ पर है भाई, वहाँ पे पार्किंग की बिल्कुल भी जगह नहीं थी, पूरा घूम के इधर मेरे को पार्क करनी पड़ी। अब होपफुली यहाँ कोई लॉक ना मार दे, वैसे नो पार्किंग तो है नहीं बट फिर भी होपफुली कोई पार्क ना मतलब नो पार्किंग समझ के लॉक ना कर दे। A few moments later. मम्मी गाड़ी लॉक। जिस बात का डर था वही हुआ, गाड़ी हो गई लॉक। हमें नो पार्किंग लिखा हुआ नहीं था और बस मुझे 5 मिनट का काम था, सामने जाके हम वापस आए तब तक तो गाड़ी लॉक हो गई थी। तो ऑप्शन था हमारे पास, अब आप समझ सकते हो क्या ऑप्शन, पर हम लोगों ने चालान भर दिया तो ऑल सेट, बट खर्चा हो गया फालतू का। मम्मी पर पहली बार ऐसा है कि मम्मी गुस्से नहीं हुए क्योंकि मम्मी का ही काम था और मम्मी के साथ ही था मैं, तो मम्मी को मालूम है मेरी गलती नहीं थी। थी मेरी गलती बताओ मुझे, वहां पे कहीं पे भी नो पार्किंग था तो पार्किंग अवेलेबल भी नहीं था और जहाँ पे मैंने रखी थी वहां पे नो पार्किंग भी लिखा हुआ भी नहीं था। अभी जा रहा है सीधा घर, हमें को है ना फ्रेश फ्रेश होना पड़ेगा, बहुत आलस मचे हुए हैं। नुकसान तो क्या ही हुआ होता है कभी कभी, मनसा हमेशा करते हैं अपने गलती। Few hours later. तो घर पे जाके थोड़ा सा क्या बातें की, थोड़ी नहीं काफी बातें की नहीं आज तो मॉम के साथ बैठ के, मिनी ब्लॉग की एडिटिंग भी रह गई तो उतनी सारी बातें की। और घर पे जाके फिर देखो ना तो फ्रेश हो गया मैं भी और अंकिता मस्त है, अंकिता एकदम मस्त क्यूटी पाई से सीधी वापस से वेस्टर्न में आ गई है
तो ठीक है, मतलब इससे पहले ज्यादा अच्छी लग रही थी, पर अभी भी अच्छी ही लग रही है। आप लोग कमेंट करो कि आपने पहले भी देखा और अभी भी देखा, कौन सा बेटर लगता है अंकिता पे। देख तो इधर, अब करो कमेंट और इंस्टाग्राम पे दोनों के साथ में फोटो लगा के स्टोरी में टैग कर दो, दोनों इसके दोनों लुक के। एनीवेज अभी हम जा रहे हैं कुंग फू पांडा देखने के लिए, जो कि ऑलरेडी शो चालू हो चुका होगा, स्टिल जो भी देख पाए जा रहे हैं और पहुंचते पहले फटाफट, उसके बाद आगे का करता हूँ ब्लॉग। बताता हूँ कुंग फू पांडा नहीं जो है वो कैसी है, क्योंकि सारे के सारे पार्ट अब तक तो बहुत ही गजब रहे, पर इस बार के पार्ट का पता नहीं यहाँ पे क्रेज बहुत कम रहा है। जैसे रिलीज हुई तब से ना शोज है उसके पास ना कुछ है, एक शो ही दिख रहा है, मतलब जब से रिलीज हुई एक दो शो से ज़्यादा दिख नहीं रहे मेरे को, मेरी ज़्यादा दूसरी मूवीज कम्पीट कर रही है इसलिए शायद, पता नहीं। भाई कितनी अच्छी चीज हुई पता है अंकिता से, और मोबाइल ही भूल गई। अच्छा ना वो मैं नहीं बता पाऊंगा कि देखो मोबाइल में लगी हुई है, होती है तभी तू करता है, होती है तभी मैं करता हूँ ना, मतलब होती है। मैं बताऊंगी तेरे कितनी बार शॉट तो तुम गेम में रहता है। गेम तो मैं खेलता बोलता ना लगा मैं, बाहर निकलता तब मैं नहीं खेलता हूँ, ठीक है बकवास मत कर मेरे साथ, चल झूठी कसम से बोल रहा हूँ, लेट हो गया है इसलिए ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ। जो हमारे आगे टिकट वाला था ना, मैं जनरली किसी को बोलता नहीं, इतना गुस्सा आ रहा था, उसने सीट सिलेक्शन में भाई 10 मिनट लगाई, उसके बाद पेमेंट में आर्गुमेंट कर रहे हैं, और उसकी मूवी का टाइम भी आजकल नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कि भाई हम पहले ले लें, बोले नहीं हम मैं खड़ा हूँ ना मेरा होगा, उसके बाद गुस्सा आ गया कसम से, अंदर ही होंगे। मैं समोसा लिया, अंकिता खा नहीं सकते, अंकिता हेलो समोसा मुझे कब से खा नहीं, मुझे इंटरवल हो गया और मैदान का भी दिखा रहा था कुंग फू पांडा के अंदर। तो मैंने ऑर्डर की है पापड़ी चाट, इंटरवल हुआ, इंटरवल तक तेको कैसी लगी मुझे? मुझे मेरे को बहुत ज्यादा पसंद आई है। क्या पता नहीं इसके अंदर शोज क्यों नहीं मिले, पता नहीं एक्चुअली बाकी सब शोज की वजह से, क्योंकि काफी सारा कंजेस्टेड है ना आजकल मूवीज। अब थिएटर खाली है और अंकिता सोच रही होगी ये जनरली तो इतना सारा मंगाता नहीं है, इसमें पापड़ी चाट समोसा सब खाया जा रहा है, तेरा फास्ट है ना इसलिए मेरे को मन कर रहा है कि खाओ। मेरे को है ना बस जब तक ऑप्शन अवेलेबल हो ना तब तक मुझे 3D मूवी देखना पसंद नहीं है, अब मत्था और आंखें दर्द होने लगती, मुझे नहीं पसंद इतना है ना, तो होता है सर थोड़ा सा सर हैवी लगने लगता है, और 2D में भी उतनी मज़ा आती है मूवी देखने में, बड़े मियाँ छोटी मियाँ 3D में आ रही है भाई, क्या हो गया पता नहीं। वैसे अंकित को एक बात बताना चाहता था, समोसा बहुत अच्छा था और पापड़ी चाट बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है, तेरा फास्ट है ना, तेरा फास्ट है ना इसलिए। देखो पूरा थिएटर खाली है, यही बता रहा था मैं, हो चुकी है मूवी खत्म, मूवी खत्म हो गई और भाई मुझे पता नहीं इतनी ज्यादा नहीं, अगर मैं नहीं आती लाइफ में तो शायद वीडियोस भी नहीं बनती, इसको मैं जबरदस्ती खींच खींच के लाया हूँ मैं यूट्यूब पे, वीडियोग्राफी के अंदर ही मतलब जबरदस्ती लाया था ना यूट्यूब पे, पानी पीने दे यार बहुत ज्यादा हिचकी आ रही है। गाड़ी खुली थी शेट, बहुत ही मिस्टेक हो रही है, पानी पी पहले, तेरे मोबाइल की वजह से हुआ ऐसा, तू मोबाइल भूल गई इसलिए मेरा ध्यान हुआ था, घर पे भूली कहीं और नहीं भूली थी, जो भी हो भूली तो थी, हिचकियां मेरे को आ रही है, पानी पिए जा रही है, हद है मतलब, मैं से पानी पी रही हूं, शट अप भूले अब ना हिचकी। हम लोग पार्किंग में खड़े रह के तो हवा भर रहे हैं जो हमारे टायर में चली गई थी। डन, एक तो हमारे एरिया में ना जो मतलब वो बैठक होती है ना पॉलिटिकल पार्टी की, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी वो तो नाम नहीं ले सकता,
और भाई कितना ज्यादा ट्रैफिक जाम रहता ना इधर के, पूछो ही मत। इतना पता है हमारे वहाँ कैसा है, एक तरफ पॉलिटिकल पार्टी की वजह से जाम रहता है, दूसरी तरफ पलेडियम मॉल है उस तरफ जाम रहता है, तीसरी तरफ रास्ता तोड़ फिर के पूरा नया बना रहे, पूरा लंबा रूट नया बना रहे उसकी वजह से जाम रहता है, और बीच में सारा का सारा मतलब वो इकट्ठा हो जाता है, इस साइड इकट्ठा हो जाता है और सब जगह ट्रैफिक जाम इकट्ठा हो जाता है, तो समझ में नहीं आता अभी कहाँ से क्या करे कहाँ जाए। मैं तो मम्मी बोलती है वो वाले रास्ते से आ जाना, मैं बोला उस साइड उसका जाम है, मैं बोले मैं भी गई थी पर इस साइड तो पूरा जाम है, फिर मैं बोलते अंकिता बोलती है मैं आई पर इस साइड भी जाम है, मतलब जाए का घर पे रहे तो क्या चाहते हो, हम नहीं रहेगा घर पे, हम रखड़े ले है ना, तू रखड़े ले, मैं तो नहीं हूँ, तू ही बोले मैं रखड़ता है, झूठा, मैं तो वही नहीं रखड़े ले, सबको पता मेरे जो प्लान दे रहे हैं ना बरोड़ा के लोग मेरे घर पे ही होते हैं कुकिंग, वही तो प्लान तू बनाती है, बदनाम मैं हो जाता हूँ, अभी यहाँ पे क्यों आए बता मुझे, आइसक्रीम लेना, किसको खाना था, देखा तो तू जब नहीं, बात वही है ना, ना प्लान दे रहे बदनाम मैं हो जाता हूँ। मैं नीचे आई हूँ हिरेन के लिए डिनर लेने के लिए, बस उसने खाना खाना जब बन रहा था तब एक बाउल में खा लिया था, मैंने बनाया है ये हरे मटर की सब्जी और ब्रेड के साथ भी खा सकते हैं, बट हिरेन को ब्रेड नहीं पसंद है तो वो खाने वाला है इसको राइस के साथ और अकेले है, और मेरा फास्ट है तो मैं अनाज नहीं खाने वाली हूँ, 9 दिन तक नमक भी नहीं खाने वाली हूँ, तो मैं खाने वाली हूँ अंगूर, सो मैं प्लेट में सारी चीजें उसके लिए ऊपर ले जा रही तो आराम से खा सके। अंकिता ने मटर की सब्जी बनाई थी, उसके साथ राइस वाइस है, मैंने मटर की सब्जी खाई थी बहुत अच्छी लगी, अंकिता को मैंने अभी बोला और नीचे गई थी तो मैंने उसको बोला यार मटर की सब्जी और चावल लेके आ, और इतना टेस्टी लग रहा है ना, निकुंज भी खा रहा है, कैसा लगा, मजा आई ना, और अभी मैच में हम ना हमारा हैदराबाद से लेन देना ना हमारा पंजाब से लेन देना, बिना बात के फिर भी हम सपोर्ट कर रहे हैं किसको, हैदराबाद को, जस्ट क्योंकि पंजाब ने लास्ट टाइम हमको हराया था। अंकिता राइस बहुत अच्छा लग रहा है, हाँ सच में पूछ उसको, जितना भी मस्त लग रहा है, तो फिर मैं ठूस लेता हूँ, ठूस लेते हैं कमेंट, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना हम दोनों की, उसके अलावा अनफिल्टर्ड जन पे हम लाते हैं रेगुलरली लाइव, तो या उसके अलावा मैंने कल भी हमने वर्टिकल लाइव किया था, आपने मिस कर दिया होगा तो जाके देख लेना, अपलोड तो हो गया, और इसके भी चैनल सब्सक्राइब कर लेना, मिलते हैं नेक्स्ट।